नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी आज मैं लेके आया हूँ पजल नंबर 4। तो पजल नंबर 4 जो है, ये भी जो है अपने 8% की पजल है। 8% यहाँ पे कितने पर्सन है? 8%। ये भी जो है केंद्र की ओर सर्कल की ओर मुंह करके बैठा है। तो अपना एक और पॉइंट है जो याद रखें आप, तो मैं अभी एक और बता देता हूँ बायां और दायां के बारे में, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व कर। बायां बायां जो होता है, ये जो होता है घड़ी की दिशा में होता है। बायां जो होता है वो किसकी दिशा में? घड़ी की दिशा। फिर ये जो दायां होता है, ये जो क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा। अब दोनों को समझते हैं कैसे। हमने यहां पे ये एक सर्कल बनाया, मतलब दायां बोला क्या मैंने, सॉरी बायां बोला यहाँ पे। तो मान लो घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा मतलब घड़ी इस तरीके से। तो ये जो बायां पक्ष है वो घड़ी की दिशा में चलता है, घड़ी इस तरीके से चलते है। और दायां जो हिस्सा होगा, वो दायां जो हिस्सा है वो किस तरीके से चलेगा? इस तरीके से, उल्टा मतलब विपरीत। डन, चलते हैं हम पजल की ओर और पजल देखते हैं। चलो सबसे पहले सर्कल बना देते हैं, 8% को बैठा देते हैं। तो हमने ये अभी 8% बैठा दिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करता है। देखो डी जो है एफ के बाएं दूसरा है, तो डी है जो एफ के बाएं दूसरा, पहला और दूसरा कौन होगा? यहाँ डी। फिर क्या बोला? और एच के दाएं तीसरा, एच के दाएं तीसरा। और का जो संबंध होता है वो किससे होगा? वो होगा डी से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एच के दाएं तीसरा कौन है? डी। तो एच के दाएं तीसरा, तो एच को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा तभी दाएं तीसरा होगा। देखो पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? एफ के दाएं दूसरा कौन है? ए। तो एफ के दाएं दूसरा कौन है? यहाँ पे ए। तो एफ के दाएं दूसरा ए हो गए। और एच का निकटतम पड़ोसी है, एच का निकटतम पड़ोसी कौन है? ए। और का संबंध किससे होगा? ए से होगा। तो एच का निकटतम पड़ोसी कौन है? ए। एच का निकटतम पड़ोसी कौन है? ए। तो बिल्कुल यहाँ पे ये निकटतम पड़ोसी है। फिर बोला सी जो है बी के दाएं दूसरा है, तो सी जो है बी के दाएं दूसरा है। और एफ जो है बी के दाएं तीसरा, तो अपना एफ यहाँ पे आ रखा है, तो एफ के बारे में पहले कर लेते हैं। तो बी के दाएं तीसरा, एफ जो है बी के दाएं तीसरा, तो बी इधर आएगा, तो पहला दूसरा और तीसरा हो गया। चलो ये कंडीशन खत्म। सी जो है बी के दाएं दूसरा, तो सी जो है बी के दाएं दूसरा, तो बी के दाएं दूसरा कौन होगा? सी यहाँ आ गया। तो ये भी अपने कंडीशन फिनिश। फिर क्या बोला? जी जो है एफ का पड़ोसी नहीं है, तो एफ का पड़ोसी जो जी यहाँ पे नहीं आएगा, तो जी इधर आएगा, तो पीछे जो कैंडिडेट जो बचा वो यहाँ आ जाएगा। जो कौन बचा है? वो बचा है ई। कौन सा बचा? ई। तो अपनी ये जो है सर्कल बेस सिटिंग अरेंजमेंट जो है बिल्कुल राइट है अभी। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।